नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एसएससी जीडी को ध्यान में रखते हुए जीके के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न पढ़ेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। चलिए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक भारत के बंटवारे के लिए कभी राजी नहीं होऊंगा, यह कथन किसका था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी भगत सिंह और डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये कथन महात्मा गांधी का था। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम लोग। महात्मा गांधी का जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था और निधन जो है 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुआ था। महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहे थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का आरंभ का श्रेय किसे प्राप्त है? वल्लभ भाई पटेल को, या बाल गंगाधर तिलक को, या शिवाजी को, या विपिन चंद्र पाल को? इसका सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक को। महाराष्ट्र में जो गणपति उत्सव उठता है, गणेश जो पूजा होती है, वो आरंभ करने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक को है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं हम लोग। वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना विपिन चंद्र पाल ने की थी किया था। भारत का हीरा गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने, जवाहरलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू ने, या महात्मा गांधी ने? इसका सही आंसर है ए नंबर। कुछ मिस्टेक हो गया टाइपिंग में, इसके लिए सॉरी। सुभाष चंद्र बोस ने। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू और हरिजन संघ की स्थापना 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी ने किया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। द इंडियन स्ट्रगल के रचयिता सुभाष चंद्र बोस थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देश बंधु की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? बी आर अम्बेडकर को, चित्तरंजन दास को, विपिन चंद्र पाल को, या रविन्द्रनाथ टैगोर को? इसका सही आंसर है चित्तरंजन दास। देश बंधु की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? चित्तरंजन दास को। और दीन बंधु की उपाधि से सम्मानित किया गया था सीएफ एंड्रूज को। ठीक है, इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक हैं चित्तरंजन दास। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1913 ईस्वी में गीतांजलि की रचना की, जिसके कारण उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता सबसे अधिक बार किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, अम्बेडकर ने, या सुभाष चंद्र बोस ने? तो इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू ने। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। सबसे अधिक समय तक अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद ने किया था, लेकिन अगर पूछे कि राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता सबसे अधिक बार किसने की थी, तब आंसर दीजिएगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और सबसे अधिक समय तक पूछे तो अबुल कलाम आजाद। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने 2 बार अध्यक्षता की थी किया था, 1938 ईस्वी में त्रिपुरी में और दूसरा 1939 ईस्वी में हरिपुर जो गुजरात में पड़ता है। ठीक है, और महात्मा गांधी जो थे 1924 ईस्वी में बेलगांव अधिवेशन में 1 बार अध्यक्षता की थी। ये आपका हमेशा एग्जाम में आता है दोस्तों कि महात्मा गांधी ने कितने बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, तो 1 बार की थी बेलगांव अधिवेशन में 1924 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड चेम्सफोर्ड? इसका सही आंसर है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं हम लोग। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी को शुरू हुआ था। यह महात्मा गांधी का की देख रेख में चलाया गया
जाने वाला प्रथम जन आंदोलन था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पोस्ट ऑफिस पुस्तक के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, शरदचंद चटर्जी, विष्णु शर्मा या मूलकराज आनंद? इसका सही आंसर है ए नंबर, रविन्द्रनाथ टैगोर। कुछ पुस्तक और उनके रचयिता को देख लेते हैं। देवदास की रचयिता है शरदचंद चटर्जी और पंचतंत्र पूछे तो आप टिक कीजिएगा विष्णु शर्मा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। लाल कुर्ती आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, खान अब्दुल गफ्फार खान, मोहम्मद अली जिन्ना या विपिन चंद पाल? इसका सही आंसर है बी नंबर, खान अब्दुल गफ्फार खान। लाल कुर्ती आंदोलन के जन्मदाता थे खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं हम लोग। यह आंदोलन 1929 ईस्वी में कांग्रेस के समय में चलाया गया था। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के संस्थापक थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति की आंख से आंसू पोंछना होगा, यह कथन किसका था? ए में है जवाहरलाल नेहरू, बी में सुभाष चंद्र बोस, सी में महात्मा गांधी और डी में सरदार पटेल। इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति की आंख से आंसू पोंछना, यह बात किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। कांग्रेस को किसने सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रवक्ता कहा था? कैनिंग ने, डॉफरिन ने, जिन्ना ने, हेस्टिंग ने? तो इसका सही आंसर है डॉफरिन ने। डॉफरिन ने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रवक्ता कहा था। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।